नमस्कार, मैं मोहम्मद रफी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो मुद्दे आपके जवाब हम लेंगे। इस शो में आप भी अपनी कोई भी समस्या लेकर इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे कैसे। आज लॉकडाउन में गरीब लोगों की सबसे अधिक ज़रूरत जो है वह है लोगों को मिलने वाला राशन, जिसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और लोगों को डबल राशन देने की बात कह रही है। लेकिन आज हम आपको इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है उससे रूबरू करवाएंगे, जिससे राशन दुकानदार की तरफ से हो रही राशन की धांधली पर पर्दा उठ जाएगा और उन तमाम दावों की भी पोल खोल कर रख देगा जिसमें गरीब जनता को इस महामारी में सहारा देने की बात कही गई है। अगर सरकार के मंत्री इमरान हुसैन मेरी इस खबर को देख रहे हों तो सुनिए इन परेशान जनता का हाल, किस तरीके से राशन दुकानदार जनता के राशन को लूट रहा है, देखें इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद रफी और आप सभी का स्वागत करता हूं हेडलाइंस इंडिया टुडे में। अप्रैल का जो राशन जो दिल्ली सरकार ने बांटा था वो 2.5 किलो राशन बढ़ाकर, यानी कि 5 किलो पर हेड का राशन मिला करता था और 2.5 किलो बढ़ाकर 7.5 किलो पर हेड के हिसाब से राशन देने का काम PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो सरकारी राशन की दुकानों से देने के लिए जनता को कहा गया था। और जब मई महीने का जब राशन का वक्त आया तो इसमें दिल्ली सरकार ने एक जो अच्छा कदम उठाया जिसमें एक राशन की किट, राशन के साथ एक किट भी जोड़ दी और राशन जो था वो डबल कर दिया, यानी कि पर हेड 10 किलो राशन जिसमें 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल पर हेड दे दिया। लेकिन ये जानकारी आम जनता तक कितनी पहुंच पाई कितनी नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से जो राशन दुकानदार हैं वो उनकी जानकारी का जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं उसके कुछ लोग शिकार हुए हैं, कुछ लोग परेशान हुए हैं कि लॉकडाउन में जहाँ बेरोज़गारी है, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जो राशन जो सरकार के द्वारा हमें मिलना चाहिए वो हमें पूरा नहीं मिल रहा है। सरकार हमारे लिए अच्छा कदम उठा रही है लेकिन जो सरकार के द्वारा मिलने वाली जो सुविधा जो राशन है वो राशन दुकानदारों की वजह से वो हमारे राशन को लूटा जा रहा है, हमें पूरा नहीं मिल रहा है। इसके चलते मेरे साथ एक महिला मौजूद है, मैं इनसे जानूंगा कि क्या नाम है इनका और इनको इस महीने का कितना राशन मिला है। क्या नाम है आपका? ज्योतिरा देवी जी। आपके परिवार में लोग कितने हैं? 4 लड़के हैं। टोटल लोग कितने हुए, कितने सदस्य हैं? हाँ, आपके राशन कार्ड में कितने सदस्य चढ़े हुए हैं? यहाँ 5 सदस्य चढ़े हुए हैं। 5 सदस्य हैं। कौन सा राशन कार्ड है आपका? एक होता BPL, एक होता लाल वाला राशन कार्ड है जिसमें 5 लोग आपके साथ आपके सदस्य हैं। कितना राशन आपको मई महीने का मिला? इस महीने का राशन 30 किलो महीना मिला रहा है। नहीं, इस महीने कितना मिला? यह महीना 35 35 किलो गेहूं और 25 गेहूं और 10 किलो चावल 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल इस मई महीने का राशन मिला है, चावल और गेहूं मिलाकर। उसमें आपको कितना मिला था अप्रैल में? 30 अप्रैल में 30 किलो राशन मिला था जिसमें गेहूं और चावल थे। हाँ, दोनों। यानी कि पिछले महीने में भी आपका 7.5 किलो का राशन कम मिला और इस महीने का भी राशन आपको कम मिला। आपने इसकी शिकायत दुकानदार को नहीं करी कि मेरे को राशन कम दे? बोला था, वो बोला कि तुम्हारा ज्यादा राशन है, तुमको नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो उसने ऐसा कहा तो उसके लिए आप दफ्तर भी नहीं गए और फिर उसकी शिकायत भी नहीं करी? ऐसे तो वो हर महीने ऐसे ही करता रहेगा। अरे तभी यहाँ से जनता ने नहीं आई जाए नहीं, अब जनता नहीं है इसलिए कुछ कर नहीं पाए हैं, काम शिकायत नहीं कर पाए हैं। कि जैसा कि हमने इनसे बात करी है, बता रही हैं कि जो राशन इनको मिलना चाहिए था पूरा, वो पूरा राशन नहीं मिला है। ऐसे ही अप्रैल महीने में हुआ और ऐसे ही मई के महीने में भी हुआ है। ये जो दुकान, जिस दुकान का नाम ये बता रही हैं, दिखाना पर्ची, कौन सी पर्ची है? जो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में धर्मकांटा है, वहाँ पर जो दुकान है, वही तो है दुकान है, और उस दुकान का नाम है 7435 शिवम स्टोर। 7435 शिवम स्टोर है। क्या नाम है आपका? लाली। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 9 लोग का नाम है। राशन कार्ड में 9 लोगों का नाम है। कौन सा राशन कार्ड है आपका? लाल वाला कार्ड है। हाँ। दुकान कहाँ है आपकी? दुकान का एड्रेस क्या है, क्या नाम है दुकान का? दुकान का एड्रेस 7435 बता रहे हैं। 7435 दुकान। आपकी शिकायत क्या है? ये कि हमें राशन कम दिया है। राशन कम दिया है। हाँ।
तो आप 9 लोग घर के सदस्य हैं, आपको राशन दिया कितना है उन्होंने? 60 किलो गेहूँ 18 किलो चावल। 60 किलो गेहूँ और 18 किलो चावल दिया है। 20 किलो गेहूँ 20 किलो चावल। 20 किलो गेहूँ 20 किलो चावल दिया था पिछले महीने का, अप्रैल का, अप्रैल महीने का। और उसके लिए भी आपने नहीं कहा कि राशन मेरे को इतना दे रहे हैं, ये भी कम है? तो कह रहा जाओ जोड़वा के लिए आओ, इतना ही मिलेगा। इतना ही मिलेगा। आपको उसके राशन के अलावा किट भी मिली आपको? हाँ, इस महीने किट मिली है। किट मिली है। क्या नाम है आपका? शकुंतला जी। आपका जो जो दिक्कत है वो क्या दिक्कत है? इस महीने कितना राशन मिला है आपको? इस महीने का 30 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल। 30 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल मिला है। लेकिन आपको मालूम है कि इस महीने का जो राशन है सरकार के द्वारा डबल कर दिया गया है। हाँ। तो ये आपको राशन डबल मिलना चाहिए। हाँ। आपके राशन में कितने लोग हैं कार्ड पे? 6 सदस्य हैं घर में जी। तो 6 सदस्य के हिसाब से आपको 60 किलो टोटल राशन होता है। हाँ जी। जिसमें से 8 किलो गेहूँ मिलेगा और 2 किलो चावल जी। तो आपको टोटल सारा राशन मिला कितना है? 30 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल। 15 किलो चावल यानी 45 किलो मिला है जी। उसमें भी 15 किलो राशन अभी कम है। हाँ। तो आपने दुकानदार को नहीं बोला? ये हमें पता ही नहीं था। आपको पता नहीं था? हाँ, यहाँ पर आके अभी तो कल परसों मेरे को पता लगा कि एक आदमी पर 10 किलो मिलता। एक आदमी पर 10 किलो मिलेगा इस महीने से जी। और वो किट जो थी, किट मिली आपको? एक किट अलग से थी, टोकन एक किट थी ना जिसके अंदर चीनी, तेल वो भी मिला। हाँ, एक किलो चीनी मिली थी और एक किलो तेल, एक किलो छोला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च। नादू जी, मेरे को आपसे ये सवाल है कि आपका जो राशन कार्ड है उसमें लोग कितने, आपके सदस्य कितने? 9 लोग हैं। 9 लोग हैं आपके राशन कार्ड में। और आपका राशन कार्ड गरीबी रेखा मतलब बीपीएल है या लाल कार्ड है? बीपीएल है। आपको मई महीने का जो राशन आप लेकर आई हैं उसमें कितना राशन आपको मिला है? 48 किलो गेहूँ है, 12 किलो चावल। 48 किलो गेहूँ, 12 किलो चावल, 60 किलो और 9 किलो 9 लोगों का नाम है। हाँ। तो इस हिसाब से आपको 90 किलो राशन मिलना चाहिए। हाँ। और आपको दोनों मिलाकर 60 किलो मिला है। 60 किलो मिला। 30 किलो राशन कम मिला है। हाँ। और अप्रैल महीने का राशन कितना मिला था आपको? अप्रैल में 46 किलो गेहूँ था, 13 किलो चावल। 46 किलो गेहूँ और 13 किलो चावल। हाँ। वो भी आपको पूरा राशन नहीं मिला? नहीं। तो जब आपको अप्रैल महीने का भी राशन पूरा नहीं मिला है और मई का भी राशन पूरा नहीं मिला है, आपने दुकानदार को शिकायत नहीं करी? करे दुकानदार, बोले तो बोला इतना ही मिलेगा। इतना ही मिलेगा? हाँ, हम लेके चले आए। खबरों को लगातार करने के बाद हमें जो अनुभव हुआ है उसी के आधार पर हमने एक खास शो की शुरुआत की है जिसका नाम है मुद्दे आपके जवाब हम लेंगे। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि जनता का हमेशा हक मारा जाता है, जनता को उसके हक पर बेवकूफ बनाने की राजनीति अधिकारी लोग करते आ रहे हैं। चाहे वो राशन या गैस हो या किसी भी प्रकार के दस्तावेज बनाने की बात हो, ऐसा जब हुआ है भ्रष्टाचार ने जन्म लिया है। इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हेडलाइंस इंडिया टुडे ने इस मुहिम की शुरुआत की है। अगर आपकी भी हो कोई शिकायत या समस्या तो हमें व्हाट्सअप करें इस नंबर पर 9350818527। इसके साथ ही हम आपके सामने ऐसी वीडियो भी लाएंगे कि क्या हैं आपके अधिकार, कैसे करें अपने अधिकारों की रक्षा और कैसे हो हमारी सुनवाई। अब मुझे दीजिए इजाज़त, ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। नमस्कार।